वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज एक साल हुए पूरे। जीएसटी ने कई उल्लेखनीय चुनौतियों को किया पार। अब तक सभी निर्णय लिए गए हैं आम सहमति से। सहकारी संघवाद का ये बेहतरीन उदाहरण। होल्डर्स ने सभी ने किस प्रकार से मिलकर इस पूरे व्यवस्था को, नई व्यवस्था को सफल बनाने में एक प्रकार से अलग अलग लोगों ने गिलहरी की तरह छोटा छोटा योगदान बनाया और इस देश को जोड़ने वाला राम सेतु आज बना है या एक इस पूरे देश को आर्थिक दृष्टि से जोड़ने का जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज एक साल हुए पूरे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी ने कई उल्लेखनीय चुनौतियों को किया पार। अब तक सभी निर्णय लिए गए हैं आम सहमति से। सहकारी संघवाद का ये बेहतरीन उदाहरण। जीएसटी के एक साल सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर स्टेट जीएसटी मुख्यालय पर आयोजित की गई एक रैली जीएसटी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली गई रैली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाएगी और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट दौर के पहले दो मैचों में विश्व की दिग्गज दो टीमें अर्जेंटीना और पुर्तगाल हुई बाहर। फ्रांस और उरुग्वे पहुंची क्वार्टर फाइनल। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी के एक साल पूरे होने पर कहा है कि अरुण जेटली उनके राजनीतिक गुरु हैं और वो कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालें। पीयूष गोयल ने कहा कि बीते एक साल से जीएसटी देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीएसटी ने पूरे देश में जीएसटी को उसी तरह से पिरोने का काम किया है जैसे पूर्व में छोटे छोटे योगदान के साथ राम सेतु बनाने का काम किया गया था। व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स ने सभी ने किस प्रकार से मिलकर इस पूरे व्यवस्था को, नई व्यवस्था को सफल बनाने में एक प्रकार से अलग अलग लोगों ने गिलहरी की तरह छोटा छोटा योगदान बनाया और इस देश को जोड़ने वाला राम सेतु आज बना है या एक इस पूरे देश को आर्थिक दृष्टि से जोड़ने का जो सिलसिला आज सफलता से एक वर्ष के पूर्व हम देख रहे हैं उभरते हुए, मैं उन सभी को तहे दिल से बधाई भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। पीयूष गोयल ने कहा कि लोग मांग करते हैं कि देश में टैक्स का एक रेट होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्री दावा करते थे कि जीएसटी के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स दर 22 से 25 फीसदी तक होगा, लेकिन मोदी सरकार ने रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स 15 फीसद के आसपास निकाला जिसके बाद जीएसटी को लागू करने का हौसला बढ़ा। कुछ लोग ये भी गलत प्रचार करते हैं कि एक कॉमन रेट होना चाहिए टैक्स का। आप में से भी किसी ने कहा, जरा आपने वैसे ये भी एक्सेप्ट किया रेट अलग अलग होंगे लेकिन कम रेट हो। आखिर आप सोचिए, जब शुरू में ये रेट टैक्स बनाए गए और इसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने वास्तव में इतनी अच्छी तरीके से ये कैलकुलेट करके निर्णय बताया कि 15.5% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट बनता है। उसके पहले जो बाकी अलग अलग बॉडीज ने बनाया था, किसी ने कहा 22%, किसी ने अलग अलग आंकड़े दिए जिससे डर लगता था कि अगर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इतना हाई है तो टैक्स के रेट्स कितने हाई रखने पड़ेंगे, लेकिन इनके 15.5% के उस कैलकुलेशन के हिसाब से हौसला बना कि अब टैक्स के रेट्स सरल रखे जा सकते हैं, कम रखे जा सकते हैं। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद इसके प्रावधानों को जानने से बेहतर यह है कि देश के कानून को समझने में आसानी हुई है। इस अवसर पर बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। आज
हम सराहना करते हैं जीएसटीएन का भी, जिनके माध्यम से आज पूरी तौर पर लोग इस टैक्स को समझे हैं। टैक्स को समझना उतना आवश्यक नहीं है जितना इस टैक्स के माध्यम से देश के कानून को समझना है। यह सबसे बड़ी खूबसूरती जीएसटी की जो आई हुई आई कि इसने जो स्थापित किया उसने देश के कानून को समझाने का काम किया और देश के लोगों ने इस देश के कानून पर अपनी मुहर लगाई, स्वीकारोक्ति की। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की पहली वर्षगांठ पर आज जीएसटी दिवस मना रही है। पिछले वर्ष 30 जून की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में जीएसटी को लागू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि जीएसटी ने कई उल्लेखनीय चुनौतियों को पार किया है। जीएसटी परिषद की अभी तक 27 बैठकें हो चुकी हैं। सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं, जो सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। एक देश एक टैक्स और एक बाजार की अवधारणा को जमीनी हकीकत बनने के एक साल 1 जुलाई की मध्यरात्रि को पूरे हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म को लागू करने में सबसे कम वक्त लगा। सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा राज्यों को हुआ जिन्हें 14% ज्यादा आमदनी की गारंटी केंद्र से मिली। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि जीएसटी ने देश में सहयोगात्मक संघवाद और लोकतंत्र दोनों को मजबूती प्रदान की। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। जीएसटी काउंसिल देश में सहयोगात्मक संघवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा, जहां जीएसटी की 27 बैठकों में एक भी ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया जिस पर वोटिंग की जरूरत हो, यानी सभी फैसले सभी राज्यों की सहमति से ही किए गए। देश के विकास के लिए अनेकता में एकता का इससे बेहतरीन उदाहरण आसानी से नहीं मिलता। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। उनतीस राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के 7 टैक्स, राज्यों के 8 टैक्स और हर चीजों के अलग अलग टैक्स का हिसाब लगाएं, 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे।
आज उन सब से मुक्ति पा करके अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लागू होने के बाद से देश में 1,10,00,000 करदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया है, जबकि इससे पहले पूरे देश में केवल 64,00,000 लोग ही अप्रत्यक्ष कर अदा करते थे। जीएसटी के तहत टैक्स की अदायगी में भी बढ़ोतरी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग समेत कारोबारियों और उपभोक्ताओं सब तक इस नई व्यवस्था का फायदा पहुंचा है। देश में जीएसटी लागू हुए आज 1 वर्ष पूरे हो गए। 1 जुलाई 2017 को आज ही के दिन देशभर में यह कानून लागू किया गया था। इस अवसर पर आज लखनऊ जीएसटी मुख्यालय पर जीएसटी रेस का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर से अधिक की इस रेस में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल थे। जीएसटी रेस में शामिल होने वाली विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए जीएसटी की स्टेट कमिश्नर कामनी रतन चौहान ने कहा कि जीएसटी की 1 वर्ष की सफलता पर आयोजित इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, साथ में फिटनेस को बढ़ाना भी है। 1 वर्ष है, उसको सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इन सबके साथ मिलकर और स्टेट जीएसटी की जो टीम है वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश, सभी लोगों ने मिलकर आज जीएसटी रन किया। बेसिक पर्पज यही था कि एक जागरूकता फैले सभी में, आमजन में भी और जो पूरी इस टीम से जुड़े हुए हैं सभी लोगों में जागरूकता फैले और उसके साथ साथ एक फिटनेस का भी संदेश दिया। जीएसटी के 1 साल पूरा होने पर लखनऊ के व्यापारी वर्ग की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। जीएसटी हमारे हिसाब से भारत के आजादी के बाद से टैक्स रिफॉर्म में सबसे ही बेहतरीन रिफॉर्म है। इससे बहुत सारे एडवांटेज तो हम लोग को पहले ही साल में दिख गए हैं और आने वाले दिनों में इसके कई अच्छे परिणाम जनता के सामने आएंगे। कलेक्शन आप देख ही रहे हैं, महीने दर महीने लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे जनता को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। देखिए, जब से बीजेपी ने ये जो जीएसटी देश के अंदर लागू किया है उससे एक बेनिफिट मिला है। पहले ये बिजनेसमैन लोग कर की चोरी किया करते थे और अपना जो सेल प्रतिनिधि का इनका जो प्रोसीजर था वो पूरा शो नहीं किया करते थे। इससे गवर्नमेंट को एक बेनिफिट हुआ है कि टैक्स गवर्नमेंट को ये देना पड़ रहा है इन लोगों को, और जो ये पैसा जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है गवर्नमेंट उसको विकास की राह पर लगा रही है। सुल्तानपुर जिले में वस्तु एवं सेवा कर में करदाताओं की संख्या में 2,500 लोगों की वृद्धि हुई है, तो राजस्व संकलन में भी 20-25% की वृद्धि से वस्तु एवं सेवा कर का विस्तार हुआ है। पारदर्शिता के कारण जीएसटी जहां लोकप्रिय हुआ है वहीं व्यापारियों पर उत्पीड़न पर भी अंकुश लग गया है। असिस्टेंट कमिश्नर संजीव कुमार उमर ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आई पारदर्शिता से व्यापारियों में जीएसटी निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जीएसटी में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर होती जाएंगी। जीएसटी से निश्चित रूप से व्यापारियों को अत्यंत सुविधाएं हुई हैं। सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन व्यापारियों को बहुत इजली हो रहा है। अगर व्यापारी के समस्त डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन उसको सर्टिफिकेट उसके मेल पर प्राप्त चुके हैं और जो अपना नियमित रिटर्न भी दाखिल कर रहे हैं। कलेक्शन अभी जीएसटी में चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं प्राप्त हो रहा है, पूरा होल यूपी वाइज प्राप्त हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कलेक्शन प्राप्त हो रहा है वो स्टेट वाइज प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो है वैट की अपेक्षा यहाँ पर भी 20-25% की ग्रोथ रेट जो है अभी तक मॉनिटर की गई है। कर अधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि शुरुआती दौर में इसमें व्यापारी समेत अधिवक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई संशोधन हुए जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने लगी है। रेस्टोरेंट व्यवसायी महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जीएसटी देश की आर्थिक ढांचे को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। वहीं केमिस्ट संजय जायसवाल, रेडीमेड व्यवसायी तपन टंडन और लेखाकार दीपा वर्मा ने जीएसटी को बेहतर बताया। व्यवसायियों ने इतना भी कहा कि अभी इसमें सुधार करने की जरूरत है, फिलहाल बीच बीच में हुए संशोधनों से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी जो है व्यापारियों के लिए एक वरदान है और राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए टैक्स कलेक्शन में भी वरदान ही है। टैक्स विभाग के कर्मचारी, टैक्स कर्मचारी के बाबू और वकीलों की दलालियों से जो है व्यापारियों को मुक्त हो गया। इतनी सरल प्रक्रिया है कि आराम से टैक्स जमा कर रहे हैं और बहुत ही इजी प्रक्रिया है, बहुत सरल है। पहले क्या होता था
कि अगर आप वैट रजिस्ट्रेशन लेने जाते थे या आप सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लेने जाते थे, तमाम तरह की वेरिफिकेशन होती थी उसमें। उस रजिस्ट्रेशन में कॉस्ट छुपी हुई रहती थी तमाम, जिसको मैं इस मंच से नहीं आपसे कहना चाहता हूँ। आज क्या है कि एक व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, थ्रू काउंसिल किया, जो भी उसके प्रोफेशन है। उस समय क्या होता था कि पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन वो असेसिंग ऑफिसर या जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता था उसके पास रहता था। आज क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रखा है जीएसटी एक्ट में, वो डॉक्यूमेंट अगर आपने लोड कर दिया तो एक निश्चित समय है, उतने समय के अंदर जो जीएसटी अधिकारी है उसको आपको रजिस्ट्रेशन देना है। फिरोजाबाद में पानी के सभी स्रोत बंद हो गए हैं और नगर को डार्क घोषित किया जा चुका है। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पानी की समस्या को गंभीरता से लिया है। श्री खन्ना ने फिरोजाबाद में निर्माणाधीन 432 करोड़ रुपए की जेड़ा झील परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने सैलई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखकर संतोष जाहिर करते हुए इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के आने के बाद जेड़ा झील परियोजना का कार्य तीव्र गति से बढ़ाया गया है। 120 एमएलडी पानी फिरोजाबाद की जनता को अगस्त माह तक पहुंचा दिया जाएगा। श्री खन्ना ने कहा कि स्वच्छता पर सरकार तेजी से काम कर रही है और 2 अक्टूबर को प्रदेश ओडीएफ घोषित किया जाएगा, उसी के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियां गठित की गई हैं, अगर जहां नहीं है वहां शीघ्र ही ये समितियां गठित की जाएंगी। ये 120 एमएलडी पानी फिरोजाबाद की जनता को देने जा रहा है अगस्त के फर्स्ट फोर्टनाइट में, और ये फिरोजाबाद की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय योगी जी की सरकार के आने के बाद इस योजना को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया। स्वच्छता पर हम चाहते हैं कि पूरा शहर, पूरा प्रदेश 2 अक्टूबर को ओडीएफ घोषित हो, और हम उसी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। निजी शौचालय, कम्युनिटी लैट्रिन्स, सार्वजनिक लैट्रिन्स का बहुत तेजी से बनवाने की व्यवस्था चल रही है। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति जो गठित हुई है और जहां पर नहीं भी है वहां हम चाहते हैं कि गठित हो और उसको एक्टिवेट किया जाए और लोग स्वच्छता की आवश्यकता और उपयोगिता को समझें। योजना जो झेड़ा जाल की परियोजना है, ये अंतिम चरण में है पानी पहुँचाने के कमिश्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंचाई विभाग, मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग ने ये आश्वासन दिया है कि 7 तारीख तक वो कैनाल चालू कर देंगे रेगुलर रूप से। यदि हमें कैनाल से पानी 7 तारीख को मिल जाता है तो हम 15 तारीख तक WTP पर पानी ले आएंगे, फिर यहाँ पर WTP की टेस्टिंग कमीशनिंग चलेगी और 10-15 दिन हमें उसमें टेस्टिंग कमीशनिंग में लगेंगे। उसके बाद हम पानी जो है 14 नए CWR जो हमने बनाए हैं और 11 पुराने CWR, कुल 25 CWR में पानी पहुंचा देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ने कहा है कि हम जनता के बीच विकास के मुद्दे पर जाएंगे और उसी पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष में जो बिखराव है उसकी वजह से प्रदेश बुरी तरह बर्बाद हुआ है। डॉ. पांडे लखीमपुर खीरी में कल केंद्र में सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर स्थानीय सांसद अजय मिश्र टेनी की विकास कार्यों की पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में डॉ. पांडे ने कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ये विपक्ष के जो उनका बिखराव था, जो उन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद किया, वो भी जनता को बताएंगे और हम जो विकास की राहें अपने केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जनता के बीच दिए गए हैं और विकास की जो बड़ी लंबी कड़ी खड़ी की गई है उसका एक जो और व्यापक रूप है वो जनता को बताएंगे और विकास विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सोनभद्र जिला चिकित्सालय का बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। बीती रात सड़क मार्ग से चपकी जा रहे स्वास्थ्य मंत्री अपनी गाड़ी रोककर अस्पताल जा पहुंचे और इमरजेंसी सेवाओं का जायजा लेते हुए मरीज और उनके तीमारदारों से बात भी की। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और नर्सों से जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी उपलब्ध सेवाएं मरीजों को हर हाल में उपलब्ध करवाएं, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पायलट प्रोजेक्ट के तहत अलीगढ़ का चयन किया है।
निमोनिया, खसरा, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार और अन्य बीमारियां, डिफ्थीरिया, रूबेला वायरस, चिकन पॉक्स समेत तमाम बीमारियां फैलती हैं। अफसरों को जब तक इनके बारे में पता लगता है तब तक ये बीमारियां पैर पसार चुकी होती हैं। आनन फानन में रोकथाम के उपाय किए जाते हैं जो उमूमन कारगर साबित नहीं होते हैं। सरकार ने इन पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पर सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज और बीमारी का ब्यौरा उसी दिन अपडेट किया जाएगा। भारत सरकार ने नए पोर्टल को WHO के सहयोग से तैयार करवाया है। मरीज की रियल टाइमिंग रिपोर्टिंग से बीमारियों की रोकथाम के लिए तुरंत कदम उठाए जा सके। प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, इसमें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में अभी तक 22 डिजीजेस उसमें नोटिफाइड थी, उनका अगर कोई मरीज आता है तो हमें उसकी सर्विलेंस के आधार पे जिससे हम उसको बेहतर कर सकें, उसके इलाज की सुविधा हम बेहतर दे सकें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती थी। अब हम इसको और सुदृढ़ बना रहे हैं, सरकार की ओर से 22 बीमारियों की जगह 32 बीमारियां हो गई हैं IDSP में, और उसमें ये होगा कि डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आएगी, तथा ये भी है कि जो हमारा फील्ड वर्कर जहां पर ये समस्या है उसी जगह से ऑनलाइन जो है उसको फीड कराएगा, जिससे हम उसके उचित और सही इलाज के लिए निर्णय ले सके, सही टाइम पर निर्णय ले सके, तथा उसी के अनुसार हम सेवा दे सके। ये है कि पहले तो IDSP में हम वीकली डाटा एंट्री करते थे, अब ये हमारा डेली बेसिस पे रियल टाइम डाटा होगा जो हम डेली बेसिस पे लोकेशन वाइज इंटर होगा। ये डाटा ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बैठ के इंटर कर लें, अगर ANM मौजूद है वहां फील्ड में उसी जगह पे पेशेंट के पास तो ही ये डाटा पोर्टल पे इंटर होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब इसमें ये फेकनेस के चांसेस बिल्कुल नील हो जाएंगे। जो रियल टाइम डाटा है रियल डाटा वही इंटर होगा, और बीमारियां अगर है वहां पे बढ़ रही हैं तो हमें डेली के डेली वाइज रिपोर्ट मिलती रहेगी, और फिर हम उसको अगर बढ़ रही है रियल में बढ़ रही है तो फिर उसका हमारे DSO जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर है उनके थ्रू पहले वो आएगा, फिर उनकी यूजर आईडी से ये होगा कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना। अगर वो उस पर देखने के बाद डाटा उनको लग रहा है कि ये डिजीज इंक्रीज हो रही है तो वो उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है जिला टीम द्वारा वहां पे एक्शन लिया जाएगा, उस बीमारी को कंट्रोल किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुसार मिर्जापुर के 96 विकासखंड के निपुरा गांव को मुख्य विकास अधिकारी ने गोद लिया है। गोद लिए गांव की सेहत जानने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने गांव में चौपाल लगाई। पहली बार गत वर्ष के अक्टूबर माह में जब गांव के बच्चों में कुपोषण की स्थिति जानने के लिए जांच करवाई गई थी तो 37 बच्चे अति कुपोषित और 34 कुपोषित मिले थे। आज चौपाल में जब इन बच्चों की जांच करवाई गई तो कुपोषित बच्चों की संख्या महज 2 और 14 रह गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार दिए जाने के लिए चल रही तमाम योजनाएं उन तक पहुंचाने पर जोर दिया। जांच के दौरान एक बच्चा अति कुपोषित नजर आया जिसकी जांच की गई तो वो कुपोषित नहीं मिला। इसके लिए अन्य बीमारी की आशंका में अन्य मेडिकल जांच करवाने की उसे राय दी गई। निफरा 96 ब्लॉक का मेरा गोदिया गांव है, यहां पर मैं जो भी कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए आज मैंने यहां का भ्रमण किया। तो यहाँ पर माह अक्टूबर में लगभग 37 बच्चे अति कुपोषित में थे और 34 बच्चे कुपोषित मतलब पीली श्रेणी में थे, यह संख्या घटकर आज 2 बच्चे मात्र अति कुपोषित रह गए हैं और 14 बच्चे पीली श्रेणी में रह गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये 2 बच्चे भी जो हैं वो हमारी लाल श्रेणी से बाहर आएं। इसके लिए संबंधित परिवारों से पूरा काउंसलिंग की जा रही है और संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को बताया भी जा रहा है कि किस प्रकार उन्हें अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP OP सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। पुलिस लाइन में नवनिर्मित नारी उत्थान केंद्र और IG रेंज के कार्यालय में बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया। प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी के DGP ने बताया कि एक साल में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 1400 मुठभेड़ें हुई हैं जिनमें 5000 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। DGP का कहना था कि प्रदेश में पुलिस के बढ़ते प्रभाव के चलते बदमाश या तो राज्य छोड़कर भाग गए हैं जबकि कई बदमाश जमानत तोड़वाकर वापस जेल में चले गए हैं। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों पर चर्चा करते हुए DGP OP सिंह ने कहा कि प्रदेश में 3000 से ज्यादा साइबर अपराधों के मामले लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए नोएडा और लखनऊ में साइबर थाने खोले गए हैं जबकि लखनऊ में साइबर लाइब्रेरी खोली जा रही है जिसके लिए कई तकनीकी संस्थाओं से मदद ली जा रही है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए जनवरी में 45,000 सिपाहियों की भर्ती करवाई जाएगी जिसके बाद पुलिस को 1,00,000 सिपाही मिलेंगे। बहुत सारे इमर्जिंग क्राइम्स हैं जिसमें साइबर क्राइम एक है। साइबर क्राइम का आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। 3000 से ज्यादा केसेस हमारे साइबर क्राइम के पूरे UP में पेंडिंग है।
और उसमें नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी ऐसे जनपद हैं जहाँ पे साइबर क्राइम के कई केसेस रजिस्टर होते हैं। हम साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हमने दो थाने स्थापित किए हैं नोएडा और लखनऊ में, और हम इस और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि पुलिस अकेडमी में जो हमारा एक नोडल स्थान है जहाँ पे हम साइबर का एक लेबोरेटरी स्थापित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण है उस पर भी हमने बदलाव लाया है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उस पर हम काफ़ी त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने चाहा है कि यूपी 100 1090 एंटी रोमियो स्पॉट और जितने भी हमारे रेगुलर थाना हैं उन सबों को हम इंटीग्रेट करें और उनको एक से जोड़ें ताकि महिलाओं की समस्याओं को काफ़ी त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके। विकास के मामले में पिछड़े बदायूं जिले और वहां के बेरोजगारों के लिए इन्वेस्टर समिट वरदान साबित होने जा रहा है। बदायूं को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें 1340 करोड़ रुपए के निवेश से जनपद में 5 सोलर प्लांट लगवाए जा रहे हैं, जिसमें जनपद के 5000 बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, जिसमें से 2 स्थापित होकर जिले के कई कस्बों को बिजली से रोशन भी कर रहे हैं। जहां बिजली हफ्ते में एक बार ही दर्शन देती थी, वहां आज हर घर में बिजली रोजाना चल रही है। जनपद बदायूं के लिए 16 जो कंपनियां थी उन्होंने एमओयू साइन किया था। 16 में 7 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, चालू हो गई हैं। इसके अलावा भी लोगों का काम चल रहा है और उसके बाद भी हमारे पास अवाडा क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जरीला पूजा प्राइवेट लिमिटेड, कनाडियन सोलर, एफएक्स एनर्जी, क्लीन इंफ्रा लिमिटेड, AMK सोलर, ये 6 सोलर पावर प्लांट हमारे पास और आए हैं जिनका एमओयू हुआ है और ये लोग करीब 200 से लेकर 300 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट है, करीब 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और होगा। इसमें अवाडा और सरीला एनर्जी ने जमीन खरीद ली है लगभग और उनका हमने सीलिंग से एग्जिबिशन की वो दिला दी है और उनका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से लोगों का टैक्स का बोझ कम हुआ है। साथ ही उन्होंने स्विस बैंक में जमा रकम के बारे में कहा कि जल्द ही पूरी जानकारी भारत के पास आ जाएगी। बीते साल स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा रकम में इजाफे पर सरकार ने कहा है कि जमा की गई रकम की सारी जानकारी बहुत जल्द ही भारत के पास होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए करार के अनुसार वित्त वर्ष के अंत में स्विट्जरलैंड सरकार भारत को सभी तथ्य मुहैया कराएगी। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जमा किए गए पैसे में क्या काला धन है या नहीं। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड के साथ जो करार किया है उसमें ये सब डेटा 1 जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स जो उनका अकाउंटिंग ईयर है स्विट्जरलैंड का, उससे सब डेटा हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। डॉलर की तुलना में रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई जरूरत के हिसाब से कदम उठाएगी। डॉलर की तुलना में रुपए की कमजोरी की एक बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल की कीमतें, जिसकी वजह से भारतीय रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ मजबूत हैं, इसलिए चिंता की कोई बात। मार्केट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से लोगों को कम टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि सरकार की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने का 1 साल का उत्सव मनाएगी। गौरतलब है कि बीते साल 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से देश में कर सुधार के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज 1 साल हुए पूरे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी ने कई उल्लेखनीय चुनौतियों को किया पार। अब तक सभी निर्णय लिए गए हैं आम सहमति से। सहकारी संघवाद का ये बेहतरीन उदाहरण। जीएसटी के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर स्टेट जीएसटी मुख्यालय पर आयोजित की गई एक रैली जीएसटी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली गई रैली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले आम चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाएगी और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट दौर के पहले 2 मैचों में विश्व की दिग्गज 2 टीमें अर्जेंटीना और पुर्तगाल हुई बाहर। फ्रांस और उरुग्वे पहुंची क्वार्टर फाइनल।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।